रहा था तो वहाँ चाय की दुकान पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, तो वहाँ मैं भी रुका। लोगों ने बताया कि एक नागिन और एक नाग आ रहे थे, उधर थाने की तरफ से एक गाड़ी जा रही थी जिससे नागिन दब गई और नाग इधर उधर कहीं चला गया, तो लोगों ने वहाँ नागिन को उठा करके वहीं दफना दिया। लेकिन बाद में पता चला कि पीछे से नाग भी आया और नाग फिर कहीं चला गया, और अगले ही दिन देखा गया कि वो नाग कहीं ना कहीं थाने में गया और वो इंस्पेक्टर साहब के कमरे में गया था, और जिससे ये लग रहा है कि वो अपनी फरियाद लेके थानेदार के पास गया था। वो नाग अपनी पत्नी की, जो नागिन की मौत की फरियाद लेके थाने पर गया था, और वो वहाँ जाके फरियाद करना चाहता था कि उसको इंसाफ मिले। और हालांकि इंस्पेक्टर साहब ने उसको अच्छे से निकलवाया और निकलवा करके बाहर छोड़वा दिया, किसी ने उसके साथ कुछ बुरा बर्ताव नहीं किया। और ये इससे प्रतीत होता है कि नाग अपने नागिन की मौत का जो है बदला लेने के लिए वहाँ उसकी दरखास्त लेकर के थाने पर गया था, इंस्पेक्टर साहब के पास उसने दरखास्त दी और वहाँ से वो उसको सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया।